हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट या फिर आप वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, कौन सी लैंग्वेज ज़रूरी है आपके लिए, क्या ये फील्ड में जाना सही है या नहीं, आपके लिए इसमें करियर ऑप्शन क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, बहुत सारे न्यू लैंग्वेजेस आएंगी, बट जो वेब डेवलपमेंट है वो हमेशा आपका रहेगा। आप कोई भी चीज़ देखें, आप सर्च करने जाते हैं, आप वेबसाइट पर ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा या फिर इसका कोई फील्ड नहीं है, स्कोप नहीं है। आप अगर से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग साइट पे जाना चाहते हैं, आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट यूज होगा या आप उससे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। और अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोर्स, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो रनिंग है, तो उस टाइम पे मेरा सजेशन आप लोगों को ये होगा कि वेब डेवलपमेंट आप लोग करें। इसमें जो आपको बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, देखिए आपने C++ तो कर रखा है, C++ आपको करना इसीलिए है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे इम्प्रूव होती हैं, आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो और उसमें जितने भी सिंटैक्स होते हैं, जो भी चीज़ें आप सॉल्व करते हो, उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती है। ये तो हो गया सी और C++ के बारे में। अब वेब डेवलपमेंट, इसके बाद ये रहता है कि C++ के बाद हम कहाँ जाएँ, तो आपके लिए फिर एक होता है कि आपको स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, तो आप लोग कहीं ना कहीं वेबसाइट के बारे में ही सोचते हैं। तो वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपने HTML, CSS और JavaScript, आपने इन तीन चीजों के बारे में सुन रखा है कि आपको इतना करना ही पड़ता है। अब एक ऑप्शन है कि आप यहीं पर रुक जाएं, आप ये तीनों चीज़ों को करें, एक वेबसाइट डिज़ाइन करें, वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद आप कंप्लीट, आप इसमें अब इसके बेसिस पर भी जॉब ले सकते हैं, इसके बाद आप फिर सोचेंगे कि क्या करना, या फिर आपके पास और ऑप्शन है, आप PHP बहुत अच्छे से कर सकते हैं। PHP एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज होती है, जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। उसके बाद आप रूबी कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, कि आप जो वेब एप्लीकेशन जो बनाए जाते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप रूबी भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन ओपन होते जाएंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज और आगे करनी है। तो आप लोग ये ना सोचें कि HTML CSS कर लिया, वेब डेवलपमेंट करें नहीं करें, आप लोग एक प्रोजेक्ट के टाइप में सोचें, या फिर अपने लाइफ में आप लोग हमेशा एक चीज़ होती है कि हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक आइडिया दिमाग में चल रहा होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसका एक वेब पे बना लें, एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लें, उसके लिए एक वेब पेज डिज़ाइन कर लें जो आपका थॉट प्रोसेस है। अब आप लोगों से मैंने बोला कि आप लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, तो उसका एक वेब डेवलपमेंट के साइड पे भी आपका यूज़ हो जाएगा, और वो जो आइडिया आपके माइंड में चल रहा है, जो आपके लिए आपका हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, तो आप उसमें भी ये चीज़ें लगा सकते हैं कि आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करी थी और ये उसमें डिज़ाइन का पार्ट था, आपने ये आइडिया पर काम किया था, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ हो जाएगा, आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, दूसरी चीज़ आपसे लर्निंग भी हो जाएगी आपकी इसमें, और आपका जो आप कोर्स था, जो ग्रेजुएशन वाला टाइम था, उसमें आपको ये रहेगा कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और वो वेब डेवलपमेंट साइट पे बनाए हैं। अब इसके बाद का टाइम आता है कि अब आपका जब वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आपने वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, वेब डेवलपमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप वेब डेवलपमेंट में ही स्टिक करें, वेब डेवलपमेंट में ही रहें, या फिर आप उसके बाद दूसरी लैंग्वेज और दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये कर लिया तो आप दूसरी फील्ड में नहीं जा सकते, आप वेब डेवलपमेंट को पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाओ, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद अब आप पाइथन साइट पर जा सकते हो, आप पाइथन वेब डेवलपर बन सकते हो, तो यहाँ से फिर आपके पास ऑप्शन ओपन होते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप जावा में शिफ्ट हो सकते हो, है ना, तो आपके पास ऑप्शन आते जा रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो जब सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है कि बस कंप्लीट ये पढ़ा ख़त्म किया, ऐसे नहीं करना है, C++ आपने किया, इसके बाद HTML, CSS, JavaScript, PHP और रूबी तक जाएं आप। यहाँ तक जब आप जाते हैं, आपको 1 ईयर का टाइम है, सेकेंड ईयर वाला टाइम, आप यहाँ तक जाएं, सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है आप एक वेबसाइट बना करके आपका जो आइडिया था आपने कंप्लीट कर लिया, सेकेंड ईयर एंड होने तक, आपका 4 ईयर का इनकेस कोर्स है, तो 4 ईयर के कोर्स में आपने सेकेंड ईयर तक पूरा कंप्लीट कर लिया, थर्ड ईयर में आप जैसे ही आए अब आपको सेलेक्ट करना है जावा या पाइथन,
डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप और किस ब्लॉकचेन में जाना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो थर्ड ईयर में आपने आकर के एक तो ये हो गया कि आपने एक वेब डेवलपमेंट वाला पूरा कंप्लीट पार्ट कर लिया है। सेकेंड, आपने लैंग्वेज फील्ड डिसाइड कर ली कि इस फील्ड में जाना है। तो जब थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाला टाइम होगा तब आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी किस पर्टिकुलर कंपनी साइट पे आपको जाना है, किस फील्ड में आपको जाना है, किस पोजीशन पे जॉब करनी है। तो जहां से आपको क्लियर होती चलेंगी, अगर से आप स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी का जो टाइम है, अगर से आपका स्टार्टिंग है, अभी आपने बीटेक स्टार्ट किया है, ग्रेजुएशन आपका स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का जो टाइम होता है उसमें आपने सी सी प्लस प्लस कंप्लीट करना होता है। सेकेंड ईयर में आप कोशिश करें कि आप वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर कर लें। आप PHP और रूबी तक नहीं जाना चाहते बट आप कोशिश करें जावास्क्रिप्ट तक का पार्ट आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लें सेकेंड ईयर एंड होते तक। सेकेंड ईयर जैसे ही एंड हुआ, थर्ड ईयर में आप पहुँचे, आप वहाँ पे फिर अपनी एक कोर लैंग्वेज डिसाइड कर लें, पाइथन या जावा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके पास साइबर सिक्योरिटी, आप उसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग साइट पे, साइबर सिक्योरिटी साइट पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास थर्ड ईयर में जैसे आप पहुँचेंगे आपके पास ऑप्शन ओपन होते जाएंगे कि आपको और आगे क्या करना है। तो इतना करने के बाद जब आप ऐसे पूरे ट्रैक से, पूरे पाथ से फॉलो करते हुए चलते हैं तो आपको करियर में जब आगे बढ़ते हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि हाँ, आपने बहुत अच्छे से चीज़ें फॉलो करी हैं और आप आगे बढ़े हैं, एक रोड मैप के थ्रू आगे बढ़े हैं। ये तो हो गई वेब डेवलपमेंट की बात। आपने एक टर्म सुनी होगी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कुछ और नहीं, बस ये है कि आपको जो फ्रंट एंड और बैक एंड वाला जो पार्ट है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपको दोनों चीज़ों से डील करनी होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से भी डील करनी होती है और बैक एंड डेवलपमेंट से भी डील करनी होती है, जिसे आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं, जिसमें आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करनी होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको फ्रंट एंड का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, बैक एंड का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसे आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक जावा डेवलपर आप बन सकते हैं। तो ये फुल स्टैक का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फुल स्टैक वेब डेवलपर अगर से आप बनना चाहते हैं, इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजें आती हैं। आई होप कि आप वेब डेवलपमेंट को लेकर के जो आपके माइंड में थोड़ा डाउट चल रहा था करें या नहीं करें वो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर से आपके माइंड में कुछ जो आइडियाज चल रहे हैं, आप उस पर वेबसाइट डिजाइन करने का सोचें, कैसे लेआउट होगा, क्या आप उसमें चीजें ऐड करेंगे जिससे कि आपके प्रोजेक्ट्स भी हो जाएं और आपका जो वेब डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो भी आपका कवर हो जाए। थैंक यू।